नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नीतेश। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरएस भर्ती 2016 की। ये मेरिट रद्द हो गई है, यानी कि इसका परिणाम दोबारा से आने वाला है। ये ऐसा क्यों हुआ है और ऐसा इसमें आगे क्या होने जा रहा है, यानी कि आगे इसमें क्या परिवर्तन होंगे, ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। तो दोस्तों आरएस भर्ती 2016 का परिणाम दोबारा से आएगा, ऐसा हाई कोर्ट राजस्थान ने तय कर दिया है। उसका कारण क्या रहा? कारण ये रहा कि आबकारी विभाग में जो 14 पद थे उनको इस 2016 की भर्ती में शामिल नहीं किया गया और उसके इतर मेरिट जारी कर दी गई थी। अब दीपेंद्र राठौड़ ने एक याचिका लगाई जिस पर उनके वकील विज्ञान शाह ने कोर्ट में बहस की और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह सराधना ने फैसला दिया कि 2016 आरएस भर्ती का परिणाम दोबारा जारी किया जाए। इसमें कुल जो है करीब 725 अभ्यर्थी प्रभावित होंगे। इसके दो बड़े जो इस फैसले के दो बड़े परिणाम हैं, दो बड़े जो परिवर्तन होंगे, वो पहला तो ये होगा कि इसमें एक तो जो भी अफसरों ने सेवाओं का चयन किया था वो प्रभावित होगा, दूसरा इसमें मेरिट भी डिरोल होगी यानी कि चेंज हो सकती है। तो ये दोनों ही बड़े परिवर्तन है। इसमें हो सकता है कि जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया हो उनको थोड़ी दिक्कत हो जाए या फिर जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ हो उनके लिए थोड़ी अच्छी खबर हो, लेकिन कुल मिला के आरएस भर्ती 2016 का परिणाम दोबारा से आएगा और दोबारा से इसकी मेरिट बनेगी। अब कोर्ट के फैसले के बाद स्थिति क्या बनती है, तस्वीर क्या बनती है, वो तो बाद की बात है, लेकिन फिलहाल अपन ये मान के चलें कि इस भर्ती में एक और प्रोसेस हो गया है, वो यही है कि काफी लोगों को इस भर्ती से बाहर होना पड़ सकता है या काफी लोगों की सेवाओं में परिवर्तन हो सकता है। तो हो सकता है उनके मन की सेवा उनको नहीं मिले, इस कारण भी कई लोग जो है आरएस को वापिस अपने रिवाइज कर लेते हैं, यानी कि दोबारा एग्जाम देने की सोच लेते हैं। तो इससे भर्ती प्रक्रिया पूरी की तरीके से प्रभावित होने जा रही है। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में इसको और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस तरह के वीडियोस, नॉलेजफुल वीडियोस आप तक मिलते रहें। आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर मिलता हूं आपसे किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।